नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं गायत्री। इस सुपर फास्ट बुलेटिन में आपको मिलती है पहाड़ की हर अहम खबर, दिन भर का पूरा अपडेट। तो चलिए निकलते हैं खबरों के सफर पर और जल्दी से जान लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरें। चार धामों में से एक बद्रीनाथ धाम में वीआईपी कल्चर पर फूटा लोगों का गुस्सा। वीआईपी कल्चर के खिलाफ पंडों, पुरोहितों, हक हकूकधारी और व्यापार सभा के लोगों ने मिलकर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और वीआईपी कल्चर खत्म करने की मांग की। पुरोहित और यहां के लोग मंदिर समिति में जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि बड़े बड़े वीआईपी लोगों को मंदिर के पिछले द्वारों से दर्शन करवाए जा रहे हैं। आरोप है कि बामणी गांव की ओर जाने वाले पैदल रास्ते पर वीआईपी दर्शन के लिए कार्यालय बनाया गया है। इसकी वजह से गांव की तरफ जाने वाला मार्ग बंद कर दिया गया है। गांव के लोगों को इस रास्ते से गुजरने नहीं दिया जा रहा है। आम जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि पिछले साल किन किन वीआईपी लोगों ने दर्शन किए, किस माध्यम से किए और इन लोगों को किसने वीआईपी बनाया, ये सभी जानकारी सार्वजनिक की जाए। यहाँ पर जो वीआईपी का द्वार बना हुआ था उसको यहाँ पर मंदिर समिति प्रशासन ने हटा दिया है, लेकिन हमारी मांग है कि ये वीआईपी कल्चर पूरी तरह से खत्म हो। हम अपने घर नहीं जा पा रहे, हम अपने यात्रियों को अटेंड नहीं कर पा रहे, हम मंदिर के अंदर नहीं जा पा रहे, हम तपस्वी स्नान नहीं कर पा रहे। स्थानीय लोगों को, तीर्थ पुरोहितों को बिल्कुल जीरो करने की जो साजिश रची गई है उसके विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन जारी है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि लोग ये ना समझे कि हमारा एक घंटे दो घंटे का है। होने वाले समय में हम हो सकते हैं कि दोनों पुलों में पुल बंद करके और पूरा दर्शन व्यवस्था को ही बद्रीनाथ में ठप कर दें, इसकी तरफ भी हम बढ़ सकते हैं। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद यात्रा के चौथे दिन भी श्रद्धालु अव्यवस्थाओं से जूझते नजर आए। जिला प्रशासन श्रद्धालुओं के लिए इंतजामों को सुधार नहीं पाया है। सोमवार को यमुनोत्री मंदिर परिसर श्रद्धालुओं की भीड़ से खाली दिखा तो पालीगाड़ से कुथनोर तक 5 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें नजर आई। यमुनोत्री धाम का ऐसा हाल देखकर तीर्थ पुरोहित अब सरकार से अपनी व्यवस्थाएं वापस लेने और यात्रा की तमाम व्यवस्थाएं यमुनोत्री मंदिर समिति के हाथों में सौंपने तक की बात कर रहे हैं। अगर आपको नए चलाना आता है तो हम फिर सरकार के पास यही निवेदन करेंगे कि आप लोग अपना डंडा कंडा छोड़ो, फिर हम अपने तरीके से चलाएंगे। मंदिर समिति अपने आप ऑर्गेनाइजेशन करेगी, हम अपने हिसाब से फिर यात्रा को संचालित करेंगे। वहीं यमुनोत्री धाम आने वाले श्रद्धालु भी यात्रा व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं है और लगातार अपनी नाराजगी जता रहे हैं। कई श्रद्धालुओं को बिना दर्शन किए ही धाम से लौटना पड़ रहा है। इस साल तो मुझे व्यवस्था पूरी तरीके से ढलमुल दिखी गई। लास्ट विगत कुछ सालों से पूछा गया, लोगों से बातचीत की गई तो लोग कहते थे बड़ी अच्छी व्यवस्था होती थी, लेकिन हम तो पहली बार दर्शन के लिए आए। बहुत ही अस्वस्थ व्यवस्था रही, बहुत ही खराब हमारा वो रहा। यमुनोत्री धाम की यात्रा में अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए प्रशासन ने वन वे और वन गेट सिस्टम लागू किया है, लेकिन फिर भी हालात जस के तस बने हुए हैं। जो भारी भीड़, जो बहुत ही भारी भीड़ आ रही है नीचे से यमुनोत्री धाम को, उसको देखते हुए कल शाम को कुछ थोड़ा जाम लगा हुआ था रैना चट्टी और साना चट्टी में, उसको आज रात भर पूरे पुलिस ने क्लियर कर दिया गया है और अभी जो है ट्रैफिक जैसा कि देख रहे हैं आप पूरी तरीके से व्यवस्थित और सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है। हमारा जो एक ध्येय है कि भाई जो यात्रा है आपकी सरल, सुगम और सुरक्षित रहे, उसके लिए हम पूरी तरीके से कार्य कर रहे हैं। गंगोत्री धाम में देवभूमि की भव्यता और दिव्यता के कायल दिखे विदेशी नागरिक। इटली, ऑस्ट्रेलिया और नेपाल जैसे कई देशों से विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में चार धाम यात्रा पर आए हैं। इनमें से कई ने गंगोत्री धाम के दर्शन किए और यात्रा व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की। विदेशी श्रद्धालुओं ने ऋषिकेश से गंगोत्री तक सड़क यात्रा को सुरक्षित और सुविधाओं से भरा बताया। इटली के एंड्रिया तीसरी बार गंगोत्री धाम आई है। उनके मुताबिक पिछले 14 सालों में यहां इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। विदेशी श्रद्धालु गंगोत्री धाम के दर्शन के बाद गंगा जल भी अपने साथ ले जा रहे हैं। The feeling it was like a shed of light was just like back to me, you know, like Ganga just embraced me and shed light upon my head and my life. रुड़की में आरटीओ ऑफिस के बाहर चल रही दलाली का हुआ भंडाफोड़। चारधाम यात्रा के नाम पर की जा रही थी अवैध वसूली। परिवहन विभाग के अधिकारियों को शिकायतें मिल रही थी कि चारधाम यात्रा पर जाने वाले टैक्सी संचालकों से तय फीस से 4 से 5 गुना ज्यादा तक रकम वसूली जा रही है। आरटीओ और पुलिस की टीम ने मिलकर छापेमारी की और 6 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। आरोपियों के पास से 5 लैपटॉप के अलावा वाहन संबंधित कई दस्तावेज, आरसी, डीएल और ग्रीन कार्ड बरामद किए गए हैं।
चार धाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने की जिम्मेदारी धामी सरकार ने सचिव स्तर के 3 IAS अधिकारियों को सौंप दी है। मुख्य सचिव राधा अतूड़ी ने इन अधिकारियों की तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं। सचिव आर राजेश कुमार को रुद्रप्रयाग, SN पांडे को चमोली और रंजीत कुमार सिंह को उत्तरकाशी जिले में यात्रा व्यवस्थाओं की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। चारधाम यात्रा की शुरुआत 10 मई से हुई है, 6 महीने तक ये यात्रा चलेगी। सरकार की कोशिश है कि चारधाम यात्रा पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, लेकिन कई जगह सरकारी दावे फेल हो रहे हैं और अव्यवस्थाएं भी नजर आ रही है। ऐसी खामियों को दूर करने के लिए ही सरकार ने अब 3 अफसरों का जिम्मा बढ़ाया है। उत्तराखंड स्थित आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा शुरू हो गई है। सोमवार सुबह श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना किया गया। ये यात्रा कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से संचालित हो रही है। पहले जत्थे में 49 श्रद्धालु शामिल है, जो सुबह 8 बजे TRH काठ गोदाम से पिथौरागढ़ के लिए रवाना हुए। 49 श्रद्धालुओं में से 32 पुरुष और 17 महिला शामिल है। मुझे लगता है कि हर कोने से जो भारत के लोग आए, वो भी कुछ कुछ हम एक दूसरे को अपनी ऊर्जा का आदान प्रदान करेंगे, जिससे हमारे अंदर और भी शक्ति का संचार होगा और भगवान शिव की असीम कृपा की प्राप्ति होगी। इस अनुभव से हम यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। आदि कैलाश और ओम पर्वत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत चीन बॉर्डर पर स्थित है। इन दोनों चोटियों के दर्शन का बड़ा महत्व है। इस बार पिछली बार से ज्यादा 500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। आदि कैलाश का दूसरा जत्था 16 मई को रवाना होगा। उत्तरकाशी जिले के कई हिस्सों में पेयजल संकट देखने को मिल रहा है। बड़कोट भी इनमें से एक है। कई दिनों से पानी के लिए गुहार लगा रहे लोगों की समस्या जब दूर नहीं हुई तो लोग खाली बाल्टियां बजाते हुए सड़कों पर उतर आए। बड़कोट का कहना है कि वो 1.5 महीने से पानी की भारी किल्लत का सामना कर रहा है, लेकिन अधिकारियों की नींद ही नहीं टूट रही है। जल निगम द्वारा जो है 2018 में सर्वे हो चुका है, 2019 में प्रतिकर भी बढ़ गया है पंपिंग योजना का, तो वो आज तक स्वीकृत नहीं हुई और नगर के सारे लोग जो है पानी के लिए त्राई त्राई मान रहे हैं यहाँ पे, और सब चाहते हैं कि ये पंपिंग योजना जल्दी स्वीकृत हो ताकि जो है नगर पालिका के जो लोग हैं जो पानी से जो है परेशान है उनको पानी मिल सके। और दूसरी तरफ मैं बताना चाहूँगा, यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए, देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ पहुँचने शुरू हो गए हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि होटलों में जो है 8 से 10 हज़ार यात्री पर डे आ रहे हैं, उनको भी पानी की जरूरत है, वहाँ भी वो लोग पानी के लिए परेशान हैं। तो कुल मिलाकर के जो है चार धाम पे भी इसका असर आ रहा है और बड़कोट के लोग बहुत परेशान हैं। अब टैंकर आते हैं शाम के टाइम, आएगा एक टाइम बस, उसमें या तो 2 टाइम तो कम से कम टैंकर भेजिए, नहीं तो पानी बहुत ही किल्लत है पानी की। पहाड़ों में बदलते मौसम की मार किसानों पर भारी पड़ रही है। उत्तरकाशी के आरा कोट बंगाण क्षेत्र में ओलों की वजह से बागानों में सेब की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई। आराकोट बंगाण पूरे प्रदेश में सेब बागवानी के लिए जाना जाता है और सेब से ही यहां के किसानों की आजीविका चलती है। सेब उगाने वाले किसानों ने प्रशासन के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भिजवाया है, अपने लिए मुआवजे की मांग की है। पहाड़ों में फिर देखने को मिल रहा है जंगली जानवरों का आतंक। पौड़ी जिले के निसणी गाँव में एक व्यक्ति पर तेंदुए ने दिन दहाड़े हमला कर दिया। सुरेंद्र अपनी बकरियों को चुगाने जंगल गए थे, तभी बकरियों पर घात लगाए तेंदुए ने हमला किया। सुरेंद्र बकरियों को छुड़ाने के लिए बीच में गए तो तेंदुए ने उन्हें भी घायल कर दिया। लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम को इलाके में गश्त पर भेज दिया गया है। हमलावर तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया जाएगा। प्रदेश में जल्द नगर निकाय चुनाव कराए जाने की तैयारी हो रही है, तो बीजेपी भी अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सोमवार को उधम सिंह नगर में रुद्रपुर और किच्छा विधानसभा के मंडल अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ बैठक की और निकाय चुनाव में जीत के लिए मंत्र दिए। पदाधिकारियों को एक हफ्ते के भीतर वार्ड स्तर पर संयोजक, सह संयोजक और प्रभारी नियुक्त किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि वार्ड में सक्रिय और चुनाव के इच्छुक कार्यकर्ताओं का दावेदारी पैनल मंडल तैयार किया जा सके। नगर निगम का रिजर्वेशन फाइनल होता है तो हम आवेदन लेने प्रारंभ करेंगे, उसके बाद हम जितने भी आवेदन आएंगे उसमें कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय, कार्यकर्ताओं के बीच में सर्वे और पब्लिक सर्वे के आधार पर हम अपने कैंडिडेट घोषित करेंगे। इसकी रणनीति को मैं बताने के लिए 4 जिले अभी मैंने प्रथम चरण में लिए हैं, जिसमें नैनीताल जिला, उधम सिंह नगर जिला, अपना चंपावत जिला, पिथौरागढ़ जिला। कांग्रेस भी प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है। मसूरी में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मिलकर बैठक की। टिहरी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले नेता जोत सिंह गुनसोला भी शामिल हुए। सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का मंत्र दिया गया है। आपसी मतभेदों को भुलाने की नसीहत दी गई है। घर घर जाकर कांग्रेस की रीति नीति के बारे में बताने और बूथों को मजबूत करने की रणनीति पर भी काम करने को कहा गया है।
संगठन में शक्ति हो, जिन कार्यकर्ताओं में जो है क्षमता होती है, वो लोग जो हैं किसी भी चुनाव को मुस्तैदी के साथ लड़ सकते हैं और जिता सकते हैं। यहाँ स्थानीय निकाय के जब चुनाव की बात आई तो हमने संगठन से आग्रह किया कि भाई आप सब लोग जो है मुस्तैदी के साथ जो है इस प्रक्रिया को शुरू करिए, चुनाव जब भी होंगे तब भी हो, पर कार्यकर्ता को जो है थोड़ा सा मुस्तैदी के साथ खड़े होने और आम जन लोगों तक जाने की बात हमने इनको बताई कि अगर आप लोग जो है आम जनता के मुद्दों के साथ खड़े होंगे तो कोई आपको जो है झुठला नहीं सकता, कोई आपको हरा नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत के लिए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने रुड़की के पिरान कलियार शरीफ स्थित साबिर साहब की दरगाह पर चादर पेश की। पीएम मोदी के लिए दुआ मांगी गई कि उनके नेतृत्व में देश में फिर से बीजेपी की मजबूत सरकार बने। दिल में ये बात डाले कि ये मुल्क अमन अमान का है, रहमत का है, करम का है। उनके दिल में ये बात डाल दे मेरे मखदूम के सब मेरे लिए बराबर, और शायद उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। पीएम मोदी को लेकर कव्वालों ने कलाम भी सुनाए। साबिर पाक की दरगाह पर चादर पोशी के दौरान वक्फ बोर्ड के सदस्यों के साथ बीजेपी समर्थक कई मुस्लिम भी मौजूद रहे। हमने अल्लाह ताला से दुआ की है कि मोदी जी को जीत का तोहफा एक बार फिर मिले और ये जीत की चादर एक नए मुल्क में एक नई सरकार लेकर आए, और हमें उम्मीद है कि यहाँ मांगी गई दुआएं खाली नहीं जाती, इसलिए हम साबिर पाक की बारगाह में हाजिर हुए थे। सीएम धामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार करने महाराष्ट्र के दौरे पर है। मुंबई समेत कई शहरों में जाकर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट जुटा रहे हैं। पालघर से बीजेपी प्रत्याशी हेमंता विष्णु सावरा के समर्थन में भी धामी ने रैली की और कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में भारी बहुमतों से बीजेपी की सरकार बनवाएंगे। मुझे पता है कि आप सब लोग मन बनाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं, आप सब लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, वो आपके मन में भी है, आपके संकल्प में भी है। इसलिए हमने यहाँ से जो प्रत्याशी है श्री हेमंत विष्णु सावरा जी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करना है। महाराष्ट्र दौरे में चुनाव प्रचार से पहले सीएम धामी का अलग अंदाज भी देखने को मिला। सुबह फुर्सत के पलों में धामी मुंबई के जुहू बीच पर टहलने निकले तो वहां बच्चों को क्रिकेट खेलता देख उनके साथ खुद भी मैच खेलने लगे। बैट पर हाथ आजमाते हुए धामी ने चौके छक्के भी लगाए। बीच पर मुंबई के आम लोगों से भी मुलाकात की। इस दौरान कई लोगों ने अपने उत्तराखंड दौरे के अनुभव धामी के साथ शेयर किए, उनके साथ सेल्फी भी ली। मसूरी में गढ़वाल जल संस्थान के सीवरेज में किचन वेस्ट डालने वालों पर हुआ है बड़ा एक्शन। 100 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स, होटल और ढाबों के मालिकों को नोटिस थमा दिया गया है। मसूरी में सीवरेज चोक होने की समस्या लगातार बढ़ रही है। इस वजह से शहर के कई इलाकों में गंदगी और बदबू से लोगों का जीना भारी हो रहा है। पिछले दिनों SDM दीपक सैनी ने मसूरी गढ़वाल जल संस्थान, जल निगम, मसूरी होटल एसोसिएशन और व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी, जिसमें सीवरेज पाइपलाइनों में कबाड़ और किचन वेस्ट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। उन्हीं निर्देशों पर अब एक्शन शुरू हो चुका है। नोटिस देकर किचन वेस्ट को सीवरेज पाइपलाइन से 3 दिनों में हटाने के लिए कहा गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 5,000 के जुर्माने के साथ साथ पेयजल और सीवरेज लाइन कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। मसूरी पुलिस हाईटेक होने जा रही है। शहर में अब ड्रोन से भी होगी ट्रैफिक व्यवस्था की निगरानी। टूरिस्ट सीजन में मसूरी में जगह जगह लगातार भीषण जाम की समस्या देखने को मिल रही है। इसी को देखते हुए DGP ने कई नए निर्देश जारी किए हैं। DGP के निर्देश पर मसूरी CO ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और नए ट्रैफिक प्लान को लागू कर रहे हैं। व्यापारियों के संगठनों और स्थानीय लोगों से भी इसके लिए सुझाव लिए जा रहे हैं। वहीं सड़क किनारे खड़े किए जा रहे वाहनों के साथ साथ ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जा रहा है। CBSE बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं में इस बार भी बेटियों ने बाजी मारी है। रुड़की की सौम्या चौहान ने 12वीं की परीक्षा में 99.4% अंकों के साथ पूरे देहरादून रीजन में टॉप किया है। सौम्या रुड़की के माउंट लिट्रा जी स्कूल की छात्रा है। सौम्या जर्नलिज्म की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती है। मेहनत तो बहुत रहती थी, हर दिन मैं स्कूल आती थी, घर पे जाके फिर सेल्फ स्टडी भी करती थी, और एग्जाम के बाद तो बहुत रात रात तक जग के पढ़ाई करी है, तो मेहनत तो है बहुत। सोशल मीडिया में नहीं चलाती हूँ। किसे शेयर करेंगे इसका? मैं टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को और अपने खुद के हार्डवर्क को। रुड़की के साथ साथ पूरे प्रदेश का नाम रोशन करने वाली 12वीं की टॉपर सौम्या के पिता योगेश कुमार BSF में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात हैं, जबकि सौम्या की मां पंकज जलता सरकारी स्कूल में टीचर है। सौम्या की इस बड़ी कामयाबी से परिवार और स्कूल बेहद खुश है। जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है, वो जर्नलिज्म करेगी, अभी ग्रेजुएशन करेगी पहले,
अभी CUET की तैयारी चल रही है उसकी, CUET के एग्ज़ाम में कॉलेज जो भी मिलता है अच्छा कॉलेज वहाँ पे एडमिशन लेगी, उसके बाद फिर आफ्टर ग्रेजुएशन जर्नलिज्म। एक ज़माना था जब बेटियों को पढ़ाने से थोड़ा लोग हिचकते थे, आजकल बेटियाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस तरह से जो नारा दिया जा रहा है उसको इसने पूरी तरह से सिद्ध किया है और मैं चाहता हूँ कि और आगे बढ़े जिंदगी में और तरक्की करें। लड़कियों का रिजल्ट 10वीं में 94.75 और 12वीं में 91.52 रहा है। CBSE 10वीं की परीक्षा में इस बार 94.75% लड़कियां पास हुई है जबकि लड़के 92.71% पास हुए हैं। वहीं CBSE 12वीं की परीक्षा में 91.52% लड़कियां पास हुई है जबकि लड़कों का रिजल्ट 85.12% रहा है। छात्र छात्राएं CBSE की वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो इस बुलेटिन में हमने आपको दी उत्तराखंड की कई अहम और जरूरी खबरें। फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तराखंड की ऐसी अहम खबरों से हम आपको रोज रूबरू करवाते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ।